हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? लेक्चर फिफ्थ आज चलेंगे। टॉपिक चलेगा वही रिलेशन एंड फंक्शन। आज टॉपिक क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन। टॉपिक एक्सरसाइज चला देंगे हम, चाहे वो एनसीईआरटी की ले लो, चाहे वो एलिमेंट्स की ले लो, कोई भी या आरडी की ले लो। 1.1 आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, ठीक हो आप? चलो आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, जरा इस पे काम कर लें आज। तो कल तक हमने क्या पढ़े थे? टाइप्स पढ़ लिए थे। परसों हमने रिलेशन पढ़ा था, उससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा, फिर उससे अगले लेक्चर में टाइप पढ़े, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो पहला रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। उसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल किए, सब कुछ समझा, उसकी कॉन्ट्राडिक्शन को भी समझाने की कोशिश की गई है इसमें। इसको दोबारा पढ़ो, अगर नहीं समझ आती है उसको दोबारा रीड करो। जो कुछ पूछना होगा मुझसे पूछो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है लेक्चर नंबर 5, कॉन्टैक्ट नंबर 9416304782। ठीक है बेटा, तो आज हम इसके क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ताकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की और पकड़ बने हमारे पास। क्वेश्चनों में ही बता दूंगा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या था। मोटी मोटी बात करो, रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन खुद के साथ, सिमेट्रिक में अगर मेरा रिलेशन इसके साथ है तो चेक करना है। पहला रिलेशन गिवन होगा, ए का रिलेशन बी के साथ है, चेक करो क्या बी का रिलेशन ए के साथ है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में दो डेफिनेशन थी जो एनसीईआरटी देती है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है। तो ए का सी के साथ चेक करना है, सी का ए के साथ नहीं, ए का बी, बी का सी, बी दोनों में कॉमन है, ए का बी, बी का सी, तो ए का सी के साथ चेक करना है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, ट्रांसफर, ट्रांसफर करना, ए को सी पे ट्रांसफर कर दिया। फिर या फिर क्या करोगे शाबाश, दूसरी डेफिनेशन क्या थी, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी आगे जाए ही ना, जैसे वाइफ हो, ए वाइफ है बी की, पर बी वाइफ नहीं हो सकती सी की, बी का रिलेशन आगे जाएगा ही नहीं, देन आल्सो ट्रांजिटिव। तब भी हम क्या कहते हो, शाबाश, ट्रांजिटिव होता है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, शाबाश, क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये हमने बातें पढ़ी थी, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे बिना टाइम को इधर उधर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा, पहला और दूसरा मैंने करा दिया था आपको, वो रिलेशन के ऊपर था। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3 4, फिर एक रिलेशन दिया हुआ है कौन सा 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 and 4 4। पास होने के लिए ये भी बात बताई गई थी क्या, पास होने के लिए सबको पास होना पड़ेगा। अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो उसको सारे चीजों के लिए पास होना पड़ेगा, एक के लिए भी फेल तो क्या होगा, फेल। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अगर सोची जाए तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन रिवाइज करो तो क्या था, मोटी मोटी बात, फॉर ऑल बिलोंग टू ए, ए का रिलेशन ए के साथ, ए ए से रिलेट होता था। सिमेट्री की डेफिनेशन अगर किसी को याद हो मन में, रिवाइज करो, ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन, नॉन ए कॉमा बी एलिमेंट बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट, ए अगर इफ ए रिलेट टू बी देन उधर चेक करना। बस अब मैंने कहा था अगले लेक्चर में नहीं बोलूंगा, अब आपको समझना है ये क्या है बेटे, बार बार नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, गिवन है और इसको क्या करोगे बेटा प्रूव। फिर क्या होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, इफ ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, मतलब ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए, देन ए का रिलेशन क्या होना चाहिए सी से, वो क्या करना है चेक। और भी होता है ये, और इफ ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से ना हो, देन आल्सो क्या था ट्रांजिटिव। ठीक है बेटा, बस अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया, इज इट रिफ्लेक्सिव, तीसरा मतलब क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 1.1 ऑफ एलिमेंट्स की मैं अभी करा रहा हूँ। फिर जो डाउट आपने पूछा होगा आरडी का, एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी तो आई जाती है पता ही आपको एज यूजुअल, तो हम उसके लिए चल लेंगे। चलो सॉल्यूशन है, तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। वो कहता है चेक करो, क्वेश्चन क्या है, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इज इट क्या है, रिफ्लेक्सिव लिखा हुआ है बस समझ जाओगी, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पूछा गया है। सॉल्यूशन है, पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार समझ में आएंगी, उतनी बार याद हो जाएगी, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ये हम क्या कहते थे और, या फिर हम क्या बोलते थे और, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए था, सारे ए के लिए, तो 1 ए में है, बस फटाफट से चेक करें, जैसे ओरल भी चेक कर सकते हो, 1 ए में है तो 1 1 रिलेशन में है, 2 ए में है तो 2 2 रिलेशन में है, 3 ए में है तो 3 3 रिलेशन में है, 4 ए में है तो 4 4, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हुआ 1 1, दिस इंप्लाइज बिलोंग टू रिलेशन, यस 2 बिलोंग्स टू ए में है, देखो 2 ए में है, पहले 1 चेक किया, 2 2 कॉमा 2 भी रिलेशन में है, दिस इंप्लाइज 2 कॉमा 2 भी क्या रिलेशन में, एक नंबर में आएगा तो ओरल ही लिखना है आपको,
थ्री बिलोंग टू ए में है, अब आपको समझ बन गई होगी, थ्री कोमा थ्री बिलोंग टू रिलेशन में है। ऑरली चेक करना है आपको, ऐसे पेपर में चेक करके दिखाने की जरूरत है नहीं बेटा, सीधा भी आप लिख सकते हो। यस काके रिफ्लेक्सिव, यस रिफ्लेक्सिव, क्योंकि चारों चेक हो गए, चारों चेक करके पेपर में दिखाने की जरूरत नहीं होती, नो नीड, यस रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो। बस एक डेफिनेशन लिखने के बाद ऑल ए बिलोंग टू ए का रिलेशन ए के साथ है। फिर दूसरा हम चेक क्या करते हैं, सिमेट्रिक, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन If, अगर A का रिलेशन किसके साथ है, B के साथ है, A कॉमा B बिलोंग टू रिलेशन से है, then B कॉमा A भी किस में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। तो बताया था मैंने कल भी आपको, A B की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, A वन B वन भी हो सकता है, A वन B टू भी हो सकता है, अगर A B सेम हो तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो वन वन चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक करना कर लो, वन वन रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी वन वन होगा, है इसको चेक करने की जरूरत पड़ती है, इसको बोला 1, 2 को, क्या मतलब, अगर 1, 2 belong to relation में है, then check करो, क्या 2, 1 भी है, check करो यहाँ से, 1, 2 है, 2, 1 लिखा हुआ, यहाँ पे देखो जरा नहीं लिखा हुआ, तो एक भी fail तो fail, तो ये क्या हो गया, not symmetric, ये symmetric नहीं है। फिर हमने बात की थी transitive की, ये transitive है कि नहीं है, transitive की हमने बात की थी, transitive में एक relation B से, B का आगे C से, तो A का C से check करना है। फिर मैंने बताया था अगर A B same हो तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, बी और सी सेम हो तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ए और सी सेम हो तो ट्रांजिटिव जरूर चेक करना है, जरूर चेक करना है, कल का एग्जांपल देखो, तो ट्रांजिटिव चेक करना है, तो क्या होता था, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, और सॉरी नॉन एम्प्टी सेट ए है, ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू सॉरी रिलेशन में है एंड एंड B, C भी belong to relation में, लिखा हुआ डेफिनेशन बहुत बार लिख के देता हूं मैं डेफिनेशन, क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत क्या है, ये दोनों गिवन है, मुझे पता है इसकी कीमत क्या है, जितनी आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, तो कुछ अच्छे बच्चे जो एक आधी बार में याद कर लेते हैं तो इसीलिए उनको भी देखना है, तो मैंने अब आपको काफी बार डेफिनेशन लिखवा दी, जो एवरेज बच्चा है उनको अगर नहीं ध्यान तो वो इसको ऐसे बार बार मैंने लिखवा के उसको याद कराने की कोशिश की है। तो चलो वन वन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वन टू चेक करो, इफ वन कॉमा टू बिलोंग टू रिलेशन में है एंड 2-2 चेक करने की जरूरत नहीं है, 1-2 के साथ 2-2 नहीं चलना, A, B, B, C, क्योंकि ये सेम है, 1-2 के साथ 2-3 चेक कर लो, and 2-3, क्योंकि एक भी फेल तो फेल है, तो फेल वाले ही ले लो, 1-3 belong to relation होगा, नहीं होगा, not transitive, क्योंकि एक भी फेल तो फेल है, पास सर करने की जरूरत ही नहीं, बस पेपर में फेल वाले एग्जांपल सेट कर दो, क्योंकि एक में भी फेल तो फेल है, फेल के एग्जांपल सेट कर दो, जैसे ये फेल था जिसमें से मैंने वही लिया, 1-1, 2-2, 3-3 लेने की जरूरत नहीं थी, इसमें मैंने वही कर दिया, 1-2 के साथ 2-2 नहीं चलाया, क्योंकि मुझे पता था 1-2, 2-2, तो क्या बनेगा 1-2, ए बी बी सी, तो एसी 1-2, 1-2 तो है, तो इसलिए 2-2 वाला नहीं चलाया, 1-2 और 2-3 वाला चलाया, तो क्या होना चाहिए 1-3, जो फेल है बस वही दिखा दो पेपर में, बहुत है। मैंने फिर बोला अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिफ्थ है, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए फिफ्थ है, वो कहते हैं show that एक relation दिया हुआ है non-empty set A के ऊपर, non-empty set है 1, 2, 3, एक relation दिया हुआ है 1, 2 और 2, 1, अभी फिलहाल वही पूछेंगे, is it reflexive, symmetric or transitive, is it reflexive, symmetric or transitive, क्या है कि नहीं ये चीज चेक करनी है, solution है, क्या reflexive होगा, क्या symmetric होगा, क्या transitive होगा, हमने वो चीजों को ही लेके चलना है। चलो तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1 दिया हुआ है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर डेफिनेशन लिखूं, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू रिलेशन में है, तो देखो जरा 1 बिलोंग टू ए है, दिस इंप्लाइज 1, 1 क्या रिलेशन में है, नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, नहीं याद तो बस ये बिलोंग कर रहा है 1 ए में है, तो 1, 1 आर में नहीं है, तो देयरफॉर बस एक भी फेल तो फेल, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है इसको कि और इसमें ये फेल हो रहा है, उससे में कोई मतलब नहीं है, एक में फेल तो फेल है। अब हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ये रहा आपके पास सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या चेक करोगे बेटा, बी ए रिलेशन में है कि नहीं है, तो 1-2 को चेक कर लो, इफ 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन देन इसका उल्टा चेक करो, क्या 2, 1 रिलेशन में है, यस है,
फिर अगला चेक करो, ये चेक हो गया, 1 2 था तो उसका उल्टा 2 1 चेक कर लिया। फिर अगला चेक करो, अगला क्या चेक कराओगे, इफ 2,1 बिलोंग टू रिलेशन में है, देन इसका उल्टा क्या 1,2 रिलेशन में होगा, कहता होगा यस। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 2 भी चेक हो गया बेटा शाबाश, 2 1 भी चेक हो गया, दोनों पास थे, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक है बेटा, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी है बी सी है, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ए सी चेक करना पड़ेगा, समझ जाओगे। इफ 1 2 क्या है, रिलेशन में है, एंड 2,1 भी क्या है, रिलेशन में है, देन क्या चेक करूंगा, 1 2 2 1 क्या चेक करूंगा, 1,1 क्या रिलेशन में है, देखो जरा है क्या, नहीं है, नहीं है, देख लो 1,1 नहीं है, कहां है 1,1, 1 2 है 2 1 है, तो 1,1 नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक भी फेल तो फेल, तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे चेक करना है, समझ गए हो। 7th है, मैंने फिर बोला था नॉन एम्प्टी सेट में है, चाहे ए मानो चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो, हार्डली मैटर्स होते हैं, तो कुछ भी आप मान सकते हो। 7th का सेकंड दिया हुआ है, 7th का सेकंड जो जेड दिया हुआ है वो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, जो ए सेट पढ़ रहे थे वो जेड दिया हुआ है, इस बार जेड क्या दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स का दिया हुआ है। फेल करने के लिए एक एग्जांपल ही बहुत है, किसी भी डेफिनेशन को हम तब बोलते हैं वो अप्लाई होगी है जब वो सब केसेस में क्या हो, पास हो। वो क्या होना चाहिए बेटे शाबाश बताओ, सब केसेस में क्या होना चाहिए, पास होनी चाहिए, कोई भी केस फेल नहीं होना चाहिए, अगर एक भी केस फेल तो समझो फेल है, अगर एक भी केस फेल हो गया तो समझो फेल है, पास होने के लिए सारे, कोई भी केस फेल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कल तुम्हें एग्जांपल दिया था आप सभी को, क्या अगर हम प्लस वन में मैथ में फिजिक्स में केमिस्ट्री में इंग्लिश में और ऑप्शनल सब्जेक्ट म्यूजिक या जो भी फिजिकल में पास है तो पास माने जाएंगे, अगर हम मैथ में पास है मान लो, फिजिक्स में पास है, इंग्लिश में पास है और ऑप्शनल म्यूजिक में पास है, केमिस्ट्री में नहीं है मान लो, या किसी भी एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो हमारी कंपार्टमेंट है, हमें फेल माने जाते हैं, फिर हमें दोबारा वो पेपर देना पड़ता है, अगली क्लास में नहीं बैठेंगे जब तक क्लियर ना करें। तो वही चीज़ मैंने कहा, एक भी फेल तो फेल होता है। एनी हाउ जेड दिया हुआ इस बार, मैंने बोला था नॉन एम्प्टी सेट कोई भी हो सकता है इंटीजर्स, इंटीजर बनाने की जरूरत नहीं, इसमें नेचुरल भी आते हैं शाबाश होल भी आते हैं, पर 1/2 नहीं आते, √2 नहीं आते। एनी हाउ ये बात पता होनी चाहिए थी और पता होगी भी। एक रिलेशन दिया हुआ है इसमें, मैंने जो उठाया है वो दिया हुआ है लेस देन, छोटा होगा और या इक्वल टू होगा, या लेस हो जाए या इक्वल टू हो जाए, और का मतलब होता है या फिर इक्वल टू हो जाए। तो कहते हैं चेक करो, इज इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, पूछा हो ही गया है इज इट, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या वो साइमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ये पूछा गया, रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो क्या है, ट्रांजिटिव है ये पूछा गया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ये डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इस बार नॉन एम्प्टी सेट क्या है, इंटीजर, यहाँ ए लो चाहे एक्स लो चाहे वाई लो चाहे बी लो चाहे एक्स लो चाहे टी लो चाहे कुछ भी ले सकते हो, एलिमेंट कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने ए ले लिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग टू इंटीजर, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या हो गया, रिलेशन, दिस इम्प्लाइज ए का रिलेशन क्या होगा, ए के साथ, मैंने बड़ी देसी भाषा में आपको समझा रखा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर क्या होता था, रिलेशन, आर स्टैंड फॉर रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया, इसको नंबर दो फर्स्ट से, तो फ्रॉम वन से क्या होगा, रिलेशन है, तो यहां से फ्रॉम वन से मैं बोल देता हूं, फ्रॉम वन से इसको क्या बोलूंगा, इसकी वैल्यू पुट करा देता हूं, देखो जरा, और फ्रॉम वन से दिस इंप्लाइज ए, अब रिलेशन की मैं वैल्यू पुट करा रहा हूं, रिलेशन की क्या वैल्यू है, रिलेशन की वैल्यू लेस देन और A is less than or equal to A. R क्या है? Less than or equal to A, ये रहा R क्या हो गया? ये सारा relation हो गया. Less than or equal to सारा relation हो गया. A. तो इसका मतलब क्या हो गया? This implies A. Less than or क्या symbol में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं. Less than or equal to A. अब बताओ आप आराम से. क्या true है? क्या statement true है? क्या ये सभी के लिए ट्रू है, ये बताइए आप लोग, किसी के लिए फेल तो नहीं हो रही है स्टेटमेंट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो फेल हो जाएगी,
लेस कहाँ होता है, ए लेस कहाँ होता है, इक्वल टू होता है। मेरा मतलब ये है सर, जैसे एग्जांपल है, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ए को टू ले लो, तो सर आप टू का रिलेशन टू के साथ देखो, टू इज लेस देन और इक्वल टू टू, टू लेस देन और इक्वल टू टू है। सर टू टू से छोटा कहाँ होता है सर? कुछ बच्चे, कईयों को तो समझ है, तो मैं उनको बोलूंगा प्लस वन की लीनियर इनइक्वालिटी याद करो, चैप्टर नंबर 6 याद करो, जहां जहां भी आपने पढ़ा हुआ है उस चीज को याद करो, हर स्कूल में हर जगह जहां भी आप पढ़ते थे टीचर ने बताया था लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या था, इसका मतलब टू या तो छोटा होगा या टू बराबर होगा, तो टू छोटा नहीं होता। तो यहाँ एक बात हर टीचर ने समझाया होगी, रोहित एक बच्चा है मान लो और एक बच्चा सुमित है, तो अगर मैं बोलता हूँ या कोई भी टीचर आपको बोलता है जाओ सात वाली क्लास से रोहित और सुमित को बुला के लाओ, तो कितने बच्चे बुला के लाओगे? दो। गलत है। कहे कितने बच्चे बुला के लाएगा? दो। वो नहीं कहे, फिर बोल गया प्लस वन में कराया हुआ है। अब सोचो मैं बोलूं आपको जाओ सात वाली क्लास से बुला के लाओ रोहित एंड सुमित को, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुला के लाओगे? रोहित को बुला लो एंड सुमित को बुला के लाओ, दो। पर जब मैं बुला के बोलूंगा रोहित को बुला लाओ और सुमित को बुला लाओ, तो आप कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुला के लाओगे? या तो रोहित को बुला के लाओगे, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाओगे, या तो रोहित को बुलाओगे या फिर तो कितने बच्चे लाओगे कहते हैं एक, रोहित को लाओ तब भी ठीक है, सुमित को लाओ तब भी ठीक है, दोनों को नहीं, एंड हो तो दो और हो तो कोई एक। अब ये क्या है? फॉल्स है, ये चीज ट्रू नहीं होती, दो दो से छोटा नहीं होता है, या ये क्या है? ट्रू है। तो रोहित नहीं आया, रोहित नहीं आया पर सुमित तो आया, तो कोई एक भी ठीक हो तो ठीक होता है, कहते ये क्या होगी ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों? रोहित नहीं आया पर सुमित तो आया, सुमित तो आया, सोचो जरा कोई एक भी आ गया, रोहित नहीं आया और है बीच में, एंड नहीं है, एंड नहीं है और, तो रोहित आ जाए या सुमित आ जाए, लेस देन हो जाए तो भी चल जाएगा पर नहीं है, और इक्वल टू हो जाए तो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो चल जाएगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो यस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, क्यों? इसमें हर केस पास है, चाहे को टू ले लो चाहे को थ्री लो, थ्री लेस देन थ्री नहीं होता पर इक्वल टू होता है, टू लेस देन टू नहीं होता, बात सच है आपकी बट इक्वल टू होता है, इक्वल टू का मतलब और का मतलब क्या होता है? कोई एक, या तो छोटा हो जाए या छोटा तो नहीं है पर बराबर तो है ना, का के बस फिर कोई एक बात सच तो सच एक बात देख लो, तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है बेटा? ये तो और का मतलब सोचो, नहीं पता तो उसको ध्यान रखो, और का मतलब कोई एक, ये बात सच नहीं है पर ये तो सच है, ओ है, एंड होता तो दोनों सच होने जरूरी थे। अभी तो आपने मैथ में रीजनिंग भी की होती है प्लस वन में, उसमें भी होता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, चलो ज्यादा डिटेल में क्या जाना है उसको भी अगर याद हो तो वो भी है, ठीक है? अब रख कर दूं ताकि मैं आप क्या बताऊं, सिमेट्रिक में क्या होता है बताओ, सिमेट्रिक में लेट ए कॉमा बी, तो इसका मतलब ट्रू है, ट्रू है। सर इसमें ए के कुछ एग्जांपल देने की जरूरत है, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया तो अगर ये पास हो गया, यस पास है, तो इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? नहीं, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, इसमें कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मतलब लेट ए इक्वल टू टू मान लो, तो टू का रिलेशन टू के साथ टू लेस देन इक्वल टू टू, इसको देने की जरूरत नहीं है, क्यों? पास है, सारे केस पास है, इसको देने की जरूरत नहीं होती। फेल हो तो बताने की जरूरत है कि वो फिजिक्स में फेल है, वो मैथ में फेल है, वो इंग्लिश में फेल है, वो सब्जेक्ट बताने की जरूरत होती है। तो एक मेरी बात याद रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो जो जनरल होते हैं, जनरल मतलब जैसे सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, जनरल जनरल मैंने आपको बताया था ना एक बार, जैसे एक सेट दिया होता था ए वन टू थ्री, ये पता है इसमें तीन एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर अगर भूल गए हो तो, और अगर एक सेट दिया हो नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? वन टू थ्री अप टू सोन, तो ये क्या होते हैं? जनरल। जब भी जनरल दिया हो क्वेश्चन में, जब भी जनरल सेट दिया हो क्वेश्चन में, तो अगर वो पास हो रहा हो, पास होने का मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो उसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती। अगर फेल हो रहा होगा तभी सिर्फ एग्जांपल देने की जरूरत होती है, तभी सिर्फ एग्जांपल देने की जरूरत होती है। जैसे अब हम इसका क्या चेक करें, सिमेट्रिक, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन इम्प्लाइज ए का रिलेशन बी से, फ्रॉम वन से सोचो जरा, फ्रॉम वन से A is less than or equal to B है, A छोटा होगा या बड़ा होगा B से।
अब ये सारी बात क्या होगी, गिवन है, गिवन है, एक ऐसा एलिमेंट है जो लेस होगा और इक्वल टू होगा, दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। नहीं समझा, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का रिलेशन किसके साथ होता है बताओ, बी के साथ, तो ए बी बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए। अब इसमें सेट ए की जगह क्या डाल दो बेटा बताओ, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। If A comma B belong to relation में, A का relation क्या है? B के साथ है। If का मतलब given है। A का relation B के साथ मतलब A या तो less than है या equal to B है। Then, then, then मुझे क्या चेक करना है? क्या B का भी relation A के साथ है? क्या B comma A भी relation में है? क्या B भी less than equal to A है? A का relation B के साथ क्या है? A is less than equal to B। तो this implies B क्या होगा? Greater than equal to A। A छोटा है B से, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, सोचो यहाँ से क्या आएगा, B is greater than equal to A। This implies B is not less than or equal to A। This implies B comma A does not belong to relation। Therefore क्या हो जाएगा, not symmetric। कहता symmetric नहीं होगा, तो इसका मतलब symmetric नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और है, कुछ बच्चों को अगर ये बात मुश्किल लगती है, अगर कुछ बच्चों को इसको डिस्क्राइब करना या समझना मुश्किल लगता है, उनके लिए भी एक तरीका है। बाकी कुछ जो ठीक है, अच्छे हैं बच्चे, वो इसको ऐसे पढ़े, ये एरो नहीं डालने, ये तो आप भी समझ लो मैंने डाले होंगे, तो वो क्या पढ़े, अगर इफ ए कमा बी क्या है, बिलोंग टू रिलेशन में, इम्प्लाइज ए रिलेशन बी है, फ्रॉम वन से इम्प्लाइज का साइन, अभी कंफ्यूज नहीं होना, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, देन मुझे चेक करना है बी कॉमा ए डेफिनेशन को ही लिख लें, दिस इम्प्लाइज बी का रिलेशन ए के साथ, दिस इम्प्लाइज बी इज लेस देन इक्वल टू ए, नॉट पॉसिबल, सो नॉट सिमेट्रिक, ऐसे लिख लें। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो इस भाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो एग्जाम में, चाहे ऐसे नंबर नहीं कटेंगे, जिसको ये समझ आता है वो इसको समझ लो, जिसको नहीं समझ आता वो डेफिनेशन यूज कर लो। ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, गिवन था, इस सारी बात देन का मतलब क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। अब ये फेल हो गया, ये पास हो गया था एग्जाम के, पास, ये जनरल सेट के ऊपर पास हो गया था, ये जनरल सेट के ऊपर पास हो गया था, तो इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी, पर ये फेल हो गया है तो मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत है। सर जी दे दो एग्जाम्पल, दे देते कोई बात नहीं, अभी रब कर दिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि जगह नहीं थी ना एग्जाम्पल देना था, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ है, चैसे लिख लो, चैसे लिख लो, इसका एग्जाम्पल यहाँ सेट कर लो, थोड़ा रब कर दिया, कोई बात नहीं, वीडियो पीछे करके देख लो ना एग्जाम्पल है। लेट ए को मान लो टू, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी इंटीजर, बी को मान लो थ्री, कहता है इफ टू कोमा थ्री बिलोंग टू रिलेशन, इम्प्लाइज टू रिलेट टू थ्री, इम्प्लाइज टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, टू लेस देन, और फिर वही बात, टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री, फिर वही कंफ्यूजन, सर कैसे, ओ गधो, टू लेस देन थ्री और टू इक्वल टू थ्री, इक्वल टू नहीं हो सकता, लेस तो हो सकता है, रोहित तो आ गया, सुमित ना भी आया तो चल जाएगा, क्यों और है, और मतलब कोई एक, रोहित नहीं आया तो चल, रोहित आ गया, सुमित नहीं आया तो कोई बात नहीं, और है, कोई भी एक आ जाए तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, तो ट्रू स्टेटमेंट है, देन मुझे क्या चेक करना है बताओ, 3,2 belong to relation, implies 3 का relation 2 के साथ, implies 3 is less than equal to 2, implies 3 less than equal to 2, क्या ये ट्रू है, सोचो, not possible, क्यों possible नहीं है, क्योंकि 3 less than 2 और 3 equal to 3, ना तो 2 के equal है, ना ही 3 छोटा होता है, not possible, 3 ना तो छोटा होता है, ना ही बराबर होता है, देख लो चाहे, यहाँ पे 2 क्या था, छोटा था 3 से, या 2 equal to 3, equal to नहीं होता, पर छोटा तो होता है, 2 is less than or equal to 3, 2 छोटा होगा 3 से, और 2 क्या होगा, equal to 3, equal to तो नहीं होता, छोटा तो होता है ना, ओके, अब इसमें देखो, 3 is less than 2 और 3 equal to 2, 3 2 के equal होता है, नहीं, छोटा तो होता है, हाँ होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, not possible, तो इसका मतलब क्या हो गया, so not transitive, एक भी example fail तो fail, ओके, देखो ये क्या बच्चा पूछ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो आप जितने मर्जी डाउट लो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसका जवाब देना, मैंने अपना तभी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप इंडिविजुअली मुझसे जहाँ मर्जी बैठे हो, कहीं पे भी, आप मुझसे दिन में रात में कभी पूछो,
व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो, ताकि फिर मैं अगर उसमें ना फोन उठा सकूँ आप व्हाट्सएप में डाल दो, फिर मैं अपने आप जब टाइम थोड़ा सा लगेगा कन्वीनियंस मैं आपको अपने आप कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अब आप बोल रहे हैं बच्चा सुनो जरा समझा करो, ठीक बोल रहा है बच्चा, अभी अपनी जगह ठीक बोल रहा है सर, क्या मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकता हूँ सर जिसमें ए बी टू हो और बी बी टू हो? पहले तो ये बताओ मुझसे बच्चा क्या पूछ रहा है, सर क्या मैं सिमेट्रिक में एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकता हूँ जिसमें ए बी टू हो, बी बी टू हो? ले सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ए और बी की वैल्यू सेम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर अब आप देखो, इफ 2,2 बिलोंग टू रिलेशन implies 2 का relation 2 के साथ implies 2 is less than equal to 2, क्या ये सर सच है? सच है, बिल्कुल सच है। 2 या तो छोटा होगा या 2 equal to 2 होगा, छोटा तो हो नहीं सकता, equal to तो हो सकता है। सर then check करो जरा, ये AB था, BA check करो, 2,2 belong to relation implies 2 का relation 2 के साथ, क्योंकि AB का उल्टा करूंगा तो भी यही बनेगा, 2,2 ही बनेगा, this implies 2 is less than equal to 2, क्या सर ये true है? बिल्कुल true है। तो इसका मतलब सर ये यस साइमेट्रिक हो गया। ओके, फिर वही बता। ओ बेटा कितनी बार आपको समझा दिया है, जब भी कोई भी, मैं बड़ी आराम से दोबारा लास्ट बार कोशिश करो समझ आ जाए, जब भी कोई भी डेफिनेशन को एग्जिस्ट कराना है कि वो डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है या सिमेट्रिक प्रूव करना है या ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो सारे केसेस पास होने चाहिए। आ गया याद? नहीं समझा? अब मैंने क्या बोला है, ये रहा मेरा सिमेट्रिक की डेफिनेशन। सिमेट्रिक में क्या था, ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए। ए बी क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो मैंने ए बी आपने लिया ए बी टू बी बी टू, तो 2 less than equal to 2 less than 2 है, ये 2,2 के लिए पास है। कौन सा वाला, ये वाला रिलेशन, कौन सा रिलेशन लेस देन और इक्वल टू वाला, 2,2 के लिए पास है। पर दुनिया में ऐसा भी तो कोई बच्चा हो सकता है जैसे ये कहता है सर ए को 2 बी को 3 ले लो, जब मैंने 2,3 लिया तो ए का रिलेशन बी के साथ तो था, 2 less than equal to 3 तो था, बट बी का रिलेशन ए के साथ नहीं था, 2,3,2 रिलेशन में नहीं आए, 3 less than equal to 2 नहीं आया, कि मतलब नॉट पॉसिबल, तो ये पास हो गया। एग्जाम्पल फेल, एक भी फेल तो फेल, तो इसलिए क्या आएगा, यस सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक, ये पास था, आपकी बात ठीक है। पर एक एग्जाम्पल ऐसा है ना जो फेल हो रहा है, एक भी फेल तो ट्रांजिटिव। चले अब आगे, समझ में आ गई, बैठ जाने से चल शाबाश शाबाश चले थे, ट्रांजिटिव है, समझ गए हो, ये मान लिया पास हो रहा है, ये पास है, पर एक भी फेल आ गया तो क्या होगा? ओ काके ये तो समझा रहा हूं। चले क्या आगे, अब क्या समझाना मुझे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो देख लेना जैसे आपको समझ आता है। ट्रांजिटिव है, इसी एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोल दिया, ट्रांजिटिव है। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू इंटीजर, इफ अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या रिलेशन में, फ्रॉम इंप्लाइज ए का रिलेशन बी के साथ है, फ्रॉम वन से ए सीधा लिख रहा हूं लेस देन इक्वल टू बी है, इसको सेकंड मान लो, एंड बी कॉमा सी भी क्या है रिलेशन में, B का रिलेशन C से, फ्रॉम वन से ही B इज लेस देन इक्वल टू C है, फ्रॉम 2,3 से सोचो, फ्रॉम 2,3 से A इज लेस देन इक्वल टू B है, B इज लेस देन इक्वल टू C है, दिस इंप्लाइज इसकी समझो ये लेस देन इक्वल टू C हो गया, दिस इंप्लाइज A का रिलेशन किसके साथ हो गया, A,C किससे बिलोंग हो गया, रिलेशन से, तो यस क्या हो गया, ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल है, ए 2 ले लो, बी 5 ले लो, सी 7 ले लो, ये ट्रांजिटिव पास हो गया। तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत है, नो नीड, बोर्ड में स्कूल एग्जाम में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझा रहा था, जब भी कोई जनरल सेट आ जाए, सेट किसका आया है, जनरल सेट है, जनरल सेट आ जाए, मतलब इंटीजर नेचुरल होल रियल ऐसा सेट आ जाए,
जनरल सेट किसको बोलते हैं? नेचुरल आ जाए, होल आ जाए, इंटीजर आ जाए, रियल आ जाए, रैशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, कोई भी अक्सर जनरल सेट आ जाए। तो जब केस पास हो जाए तो उसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एग्जाम्पल किसका देने की जरूरत होती है? फेल होने का। अगर हमारे घर में है तो हम भी, हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते, देखो फलाना 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 लड़के का वो, देखो फलाने का लड़का देखो इसमें फेल हो गया है तो इसलिए पढ़ लिया करो, वो उसमें फेल हो गया पढ़ लिया, फेल होने का भी एग्जाम्पल देते हैं हमारे को। तो एग्जाम्पल किसका देना आपने? फेल होने का। नो नीड, बस ट्रांसलेट देना है तो दे सकते हो, दे दो, कोई बात नहीं। ए टू बी कितने दोगे? क्योंकि हजारों पास है, अनगिनत पास है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये लिखना ना आए, तो कुछ बच्चों के लिए जिसको लिखना नहीं आता वो इस तरह से चल सकते हैं दो मिनट के अंदर अंदर। अगर ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन में है, इम्प्लाइज ए का रिलेशन बी से है, थोड़ा तेज लिख दूं, फ्रॉम वन से ए इज लेस देन इक्वल टू बी है, एंड बी कमा सी भी कहता है रिलेशन में है, इम्प्लाइज बी का रिलेशन सी से है, फ्रॉम वन से बी इज लेस देन इक्वल टू सी है, तो डेफिनेशन लिख दिया करो, देन ए कमा सी भी रिलेशन में है, इम्प्लाइज ए का रिलेशन सी से है, A is less than equal to C है, always true है, बस ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में। वैसे बढ़िया तरीका ये होता है, काफी बच्चे इस बात को समझ गए जो मैंने लिखवाया, फिर भी किसी को नहीं समझ आता तो सीधा डेफिनेशन वाली बात ही चेप दिया करो बस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नंबर नहीं कटेंगे आपके, आप पेपर में लिख के तो आए हो, किसी को अगर समझ ना बने तो। नाइन्थ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नाइन्थ है। इसमें जो दिया हुआ है जनरल सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ क्या दिया हुआ है? रियल नंबर। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? जनरल सेट। मेरी लैंग्वेज में इसको मैं क्या बोलता हूँ? ये जनरल सेट है। तो अगर कोई फेल होगा तो मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। जनरल सेट है। रियल नंबर वैसे कौन से होते थे जिसको बस आप समझा करो, जनरल सेट नेचुरल भी आते हैं इसमें, सारे आ गए, इसमें तो कोई बचा ही नहीं, रूट टू भी आ गए, रूट थ्री भी आ गए। एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? जो रिलेशन दिया हुआ है नाइन्थ में, वो दिया हुआ है ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। और हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पूछा क्या गया? इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पूछा क्या गया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? तो आपको बेटर सोल्यूशन के लिए बता देता हूँ, फ्रॉम वन इक्वेशन वन रिलेशन वन कैन बी रिटन एज कैसे हम इसको लिख सकते हैं? ए का बी से रिलेशन क्या दिया? ए का रिलेशन बी से इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिया हुआ है, या इसको वन मान लो या इसको वन मान लो, एक ही बात है, यही रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन ही है। आर रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो ये रिलेशन किसके बीच में? ए बी के बीच में। क्या रिलेशन है? ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। तो मुझे क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई फेल होगा तो मैं क्या दे दूंगा? एग्जांपल। कोई पास होगा तो मेरे को एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देना चाहो दे सकते हो। पास होने के कितने दिखाओगे? कैन बी रिटन एज। चलो तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है भैया। पहला, सबसे पहला क्या दिखाऊंगा? रिफ्लेक्सिव। चलो सबसे पहले क्या दिखाऊंगा? नाइन्थ का रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाऊंगा? For all a belong to real number, real number मतलब r भी कह सकते हो। यहाँ पे r किसके लिए stand है? real number के लिए। अगर आपको पता हो थोड़ा सा तो हम real number को ऐसे भी represent कर देते हैं, real number जिसको पता है, जिसकी knowledge हो, ताकि relation और real को confusion ना हो। r अगर हो तो वो relation के लिए use कर लो, अगर r ये हो तो real के लिए use कर लो। एक range भी होती है, उसको बोलते हैं rf, ये होती है range of function, जो हमने प्लस वन में चैप्टर टू में कर रखी है, कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। तो आर एफ होता है रेंज ऑफ फंक्शन, ये आर के साथ अगर एक डंडा सा लगा दे, डुंडी सी लगा दो तो क्या हो गया? रियल। आर क्या होता है? रिलेशन के लिए, ठीक है। अब आप सोच लेना तीनों में से कौन सा आपने सिंबल यूज करना है। तो मैंने रियल नंबर डालने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ये डाल देता हूँ, तो ये रियल है। दिस इंप्लाइज ए कमा ए बिलोंग टू रिलेशन, अगर सिंपल आ रहा है तो ये क्या है? रिलेशन है। और ये क्या है? रियल है, बता दिया ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ, फ्रॉम वन से। दिस सोचो कैसे सोचो, जैसे सोचो ए का रिलेशन बी के साथ क्या दिया हुआ है? पढ़ोगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ए का रिलेशन ए के साथ क्या होगा? ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू आ जाएगा ना। सोचो ए हमेशा छोटा होगा, ऑलवेज ट्रू। गलत हो बच्चे जो हमेशा ट्रू बोल रहे हो। क्यों सर? ये हमेशा पास तो होगा सर, ले लो आप ए को टू, सर आप ए को टू ले लो, थ्री ले लो, कुछ भी ले लो। इफ लेट ए इक्वल टू टू बिलोंग टू क्या लो? रियल नंबर।
टू कमा टू बिलोंग टू रिलेशन, टू का रिलेशन टू के साथ, टू इज लेस देन इक्वल टू टू क्यूब, टू लेस देन इक्वल टू एट, टू या तो छोटा होगा या फिर टू इक्वल टू एट होगा। सर टू इक्वल टू नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, तो सर बात ट्रू तो होगी है। अरे काके फिर वही बात समझ में नहीं आती, एक भी केस फेल तो फेल है काके, एग्जांपल है, ए को क्या लो माइनस टू ले लो, बिकॉज माइनस टू भी क्या है, कोई रियल नंबर है। तो क्या करोगे, माइनस टू कमा माइनस टू बिलोंग टू क्या होगा रिलेशन से, दिस इंप्लाइज माइनस टू का रिलेशन माइनस टू से, दिस इंप्लाइज माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू का क्यूब, माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू माइनस एट, क्या माइनस टू छोटा होता है माइनस एट से, वो गधो नंबर लाइन बना लो, माइनस टू माइनस थ्री माइनस एट, माइनस टू क्या छोटा होता है, माइनस टू छोटा होगा माइनस एट से, और ये रहा माइनस एट, और माइनस टू इक्वल टू माइनस एट, ये क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं, माइनस टू छोटा होता है, नहीं, दोनों नहीं है ना, रोहित है ना सुमित आया, तो नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट, एक भी केस फेल तो फेल, क्या आएगा रिफ्लेक्सिव। वो कहा कि पास वाले केस नहीं देखने बेटा, प्रैक्टिस करो अपने दिमाग के अंदर, इतना सोचो कि आपको पता चले मुझे सिर्फ फेल वाले एग्जाम्पल ढूंढने हैं। अगर मैंने फेल वाले एग्जाम्पल ढूंढ लिए, अगर मैंने शाबाश बताओ, अगर मैंने कौन से एग्जाम्पल ढूंढ लिए, अगर मैंने फेल वाले एग्जाम्पल ढूंढ लिए, तो बस मेरा काम निकल गया, मुझे फेल वाले सोचने। ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल है सर? हाँ, a इक्वल टू वन बाय टू ले लो, ट्राई कर लो, कल भी आया ना जैसा। चलो ये आ गया आपका क्या वाला रिफ्लेक्सिव। अब मैं क्या करूंगा सिमेट्रिक, उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना है, पढ़ लो ठीक है, साथ साथ चला करो। मैंने फिर बोला था ये थ्योरी वाला चैप्टर होता है बेटा, ठीक है, बार बार बोलेंगे क्योंकि बस रिफ्लेक्सिव को अब चेक करो, बार बार नहीं बोलना बस। अब ध्यान रखो क्वेश्चन चल रहे हैं, 9th पे पहुंच गए, टोटल इस बुक में 13 क्वेश्चन है, आइडेंटिटी कराने मैंने ताकि आपका हाथ बैठ जाए, ठीक है। ए का रिलेशन ए के साथ, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू गलत करके, करके गलत है, ऑलवेज ट्रू गलत है करके, फेल हो रहा है। तो अब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं आया, अब क्या चेक कराओगे बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, ए का रिलेशन बी के साथ वापस आता है कि नहीं आता, ये देख लेते हैं, क्या कोई ऐसा केस तो नहीं जहां फेल हो रहा हो, जहां फेल हो रहा हो देख लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल, इफ ए कॉमा बी belong to relation implies a का relation b से, implies from one से देखो, from one से a is less than equal to b cube, then check क्या करोगे, b comma a belong to relation implies b का relation a के साथ from one से, b is less than equal to a cube, क्या ये बात सच है, not always true, ये भी बात सच है, ये भी बात सच नहीं है, देखिए बात सच नहीं है, कोई फेल हो रहा है, बिल्कुल फेल हो रहा है, सोचो आप, मैं बताऊं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, शाबाश, जो आपका मन कहता है वो सोच लो, ए को वन ले लो, बी को थ्री ले लो, ये दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। सबसे पहला क्या लोगे, अगर वन कॉमा थ्री किससे बिलोंग करेगा, रियल से, रिलेशन से इंप्लाइज वन का रिलेशन थ्री के साथ है, फ्रॉम वन से वन लेस देन इक्वल टू थ्री क्यूब है, देन चेक करो थ्री को वन बिलोंग टू रिलेशन आएंगे, थ्री का रिलेशन वन से आएगा, फ्रॉम वन से क्या होगा, थ्री लेस देन इक्वल टू वन क्यूब होगा, तीन छोटा होता है वन क्यूब से या बराबर होता है वन क्यूब से, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, एक भी फेल तो फेल है, समझ गए हो, चल दूं अगला ट्रांजिटिव के, पढ़ना इसको पढ़ लो। अब मैं क्या चलूंगा ट्रांजिटिव की तरफ, ट्रांजिटिव में देखते हैं कि क्या फेल होता है, ए का रिलेशन बी से, बी का तो ए का किससे चेक कराओगे, शाबाश सी से, ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से होना चाहिए इस रिलेशन के लिए। तो अगला क्या चलेगा बेटा, शाबाश ट्रांजिटिव, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू क्या आएगा रिलेशन से, अगर ए बी रिलेशन में, ए का रिलेशन बी से, फ्रॉम वन से लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ट्रांजिटिव कर रहा हूं, सिमेट्रिक हटा रहा हूं, ट्रांजिटिव लिख दिया है, चलो एंड बी कॉमा सी भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, बी का रिलेशन सी से, फ्रॉम वन से बी लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी सी क्यूब, देन चेक क्या करोगे, ए कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन इंप्लाइज ए का रिलेशन सी से, from one से a is less than equal to c cube, check करो not always, ये हमेशा true, ऐसा नहीं है,
कैसे? एग्जाम्पल, ए 10 ले लो, बी 3 ले लो, सी 2 ले लो। तीनों ही किससे बिलोंग कराएंगे बेटा? रियल नंबर से। करो चेक, खुद चेक करो, ठीक है? पहले आप खुद चेक करो, फिर मैं चेक कराऊंगा। ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 9। ये किसकी बुक में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में है, एलिमेंट्स में भी और एनसीईआरटी में भी। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है? चलो चेक करो। इफ 10.3 बिलोंग टू क्या होंगे? रिलेशन से। 10 का रिलेशन क्या होगा? 3 से। फ्रॉम 1 से लिखने की जरूरत है? चलो लिख देते हैं फ्रॉम 1 से। 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। एंड अब तो आपको लेस देन और इक्वल टू का मतलब पता चल गया होगा, 3.2 बिलोंग टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ। दिस इंप्लाइज 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 क्यूब। फ्रॉम 1 से 3 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 2 क्यूब। अब देन मुझे क्या चेक कर नहीं कर लूं? देन कौन सा चेक करूंगा? 10.2 belong to relation implies 10 का relation 2 के साथ। 10 is less than equal to 2 cube, तो इधर ले जाता हूँ। 10 is less than equal to 8, 2 cube 8 होता है। 10 is less than 8 और 10 is equal to 8, 10 8 equal less भी नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? Not ऐसे बहुत सारे, ठीक है बेटा? Not transitive, ठीक है बेटा? चल आगे चले, आप पढ़ लेना इसको। हम आगे चलते हैं, आगे के लिए चलते हैं। क्या कुछ है आता है? 9.5, ठीक है? पढ़ लो जरा इसे। अब 11 पे चलते हैं, बस दो रह गए क्वेश्चन। 11th के लिए चलो। 11th में क्या दिया हुआ? वो कहते हैं नेचुरल नंबर का वही जनरल सेट दिया हुआ है। एन दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही जनरल सेट है। ये भी क्या दिया हुआ है बताओ? जनरल सेट है। कोई भी फेल होगा तो उसको क्या दूंगा? एग्जांपल। पास होगा तो उसको एग्जांपल नहीं दूंगा। फेल होगा तो बेटा उसको क्या दूंगा? एग्जांपल। इसमें क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है। इस बार ए बी ना देखिए, एलिमेंट्स क्या दिए हमें? एक्स कॉमा वाई। क्या दिया हुआ है बताओ? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इस बार एक्स वाई में दे दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया गया? 10। दोनों का सम क्या हुआ? 10। चेक वही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन 1 को कैसे लिख सकते हो? रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे? रिलेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्स का रिलेशन वाई से क्या होगा? सोचो भला, दोनों का सम क्या होना चाहिए? x प्लस वाई इक्वल टू 10 होना चाहिए। सबसे पहले बेटा क्या चेक कराओगे? इसका रिफ्लेक्स, ठीक है? पिछला एग्जांपल समझ आ गया था? इसको दोबारा रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का। कोई भी दिया होगा और कोई पूछना होगा तो जरूर पूछेगा। कोई एग्जाम्पल होगा आपका, डाउट कोई पूछो तो आप जरूर पूछो। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँ? कैन बी रिटन। सबसे पहले मैं इसके लिए क्या चेक करूंगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करूंगा? फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल, वही नेचुरल के साथ ऐसे लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन ए के साथ, भले ही एक्स वाई में दिया हो। आप ए में लिख सकते हो फ्रॉम 1 से ए प्लस ए इक्वल टू 10। क्यों भला? क्योंकि ए किसमें से, एक्स वाई किसमें से आ रहे हैं? नेचुरल में से आएंगे। एक्स वाई किसके एलिमेंट है? नेचुरल में। तो नेचुरल में क्या दो ही होते हैं? 1, 2, 3, 4, कितने सारे होते हैं? अनगिनत। तो ए में लिख लो, एक्स में लिखना है तो एक्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझनी चाहिए। एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, उसमें क्या आएगा? सिर्फ ए भी आएंगे? नहीं, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा। 1, 2, क्यों? ए 1 हो सकता है, बी 2 हो सकता है, सी 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, किसी में भी डेफिनेशन लिख लो, 5 भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, 2, 3, कुछ भी। बट नेचुरल होना ना, नेचुरल होना। देखो इसकी समझ बना रहा, चाहे एक्स वाई में दिया क्वेश्चन ए बी में कर दो, एक्स में लिखना, एक्स में लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमा x बिलोंग टू रिलेशन, x का रिलेशन किससे दिया हुआ है? x से। x प्लस x क्या होगा? 10। क्या x प्लस x 10 होगा? नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा नहीं। दो का सम 10 होगा? नहीं। जैसे एग्जांपल x को ले लो 2, ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो क्या चेक कराओगे? दिस इंप्लाइज 2.2 बिलोंग टू क्या होगा? रिलेशन। इंप्लाइज 2 का रिलेशन क्या होगा? 2 से। फ्रॉम 1 से 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? 10, क्योंकि 10 फिक्स है।
एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 10, तो 2 का 2 से क्या रिलेशन होगा, 2 रिलेशन 2 से क्या होगा 2 + 2 10 नहीं इक्वल होता, तो एक भी केस फेल, तो फेल क्या आएगा नॉट इंप्लिसिट। अगर मैं एक्स को 5 लूं तो पास हो जाएगा 5.5 बिलोंग टू रिलेशन 5 + 5 = 10 पास हो जाएगा, पर केस पास वाला नहीं सोचना, एक भी फेल तो फेल। अब समझ में आ गया है, एक भी फेल तो फेल आएगा। और फिर इसकी समझ भी कुछ बच्चे अगर रखने, भले क्वेश्चन एक्स वाई में दिया हो आप यहाँ पे ए बी में कर सकते हो, यू बी में कर सकते हो, टी जेड में कर सकते हो, आपने क्या माना लेट ए बिलोंग टू नेचुरल। मैं अगर आपको बताता हूँ तो आप ये भी कर सकते हो, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग टू रिलेशन, ए का रिलेशन ए से, मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रॉम 1 से ए प्लस ए इक्वल टू 10 नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। आप ऐसे भी कह सकते हो for t belong to natural this implies t comma t belong to relation implies t का relation t के साथ from 1 से t plus t equal to 10 not always, मतलब t ले लो, a ले लो, u ले लो, यहाँ u भी चला सकते हो, u plus u, m भी चला, कुछ भी चला सकते हो, अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हो, जो नहीं है a x y में दिया तो क्वेश्चन भी मुझे x y में करना है, आप a में कर लो, b में कर लो, u में कर लो, v में कर लो, z में कर लो, कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बातें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए बी ले लो, एक्स वाई ले लो, वो आपकी मर्जी है, बिलोंग टू नेचुरल। कहता है अगर इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन में है, इंप्लाइज एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, देन फ्रॉम 1 से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, देयरफॉर y plus x is also equal to 10. अगर x plus y 10 है, 2 plus a 10 है, तो 8 plus 2 उसका उल्टा कर लो, y plus x भी 10 होगा। This implies y comma x किससे? तो sorry, this implies y from 1 से x plus y 10 होगा। From 1 से y का relation किसके साथ हो जाएगा? x के साथ। y comma x किससे belong करेंगे relation के साथ? Yes, क्या होगा? Symmetric। ये हमेशा symmetric है, symmetric। आप कर लो कोई भी। कोई भी एक्स वाई ले लो, पर ये बात ध्यान रखना, क्या भला ये वाली चीज क्या होनी चाहिए गिवन, और इसको आपको क्या करना है चेक। मैंने इसी को इस तरह से लिख दिया, इसी को इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको, आप मैंने पहले ही बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, कौन से क्वेश्चन में, सेवन में, मैंने सेवन में भी आपको बोला था और इसमें भी बोल रहा हूँ, अब दो क्वेश्चन आपको एक जैसे बता दिए। सर क्या पेपर में हम ऐसे लिख सकते हैं, कई बच्चों के डाउट होते हैं, बिलोंग टू नेचुरल है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू रिलेशन है, एक्स का रिलेशन वाई से है, From 1 से x plus y 10 है, सर क्या हम डेफिनेशन में ऐसे लिख लें y comma x भी क्या belong to relation होगा, this implies y का relation x से होगा, from 1 से y, सर हमें ये आसान लगता है लिखना y plus x equal to 10 है, सर हमें एग्जाम में ये लिखना आसान लगता है, सर ऐसे कह सकता हूँ, always true है, अगर ये true है, always true है, ओहो आ जा तू, therefore क्या होगा, yes symmetric, सर मुझे ये लिखना आसान लगता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं। अभी क्या हो गया सिमेट्री, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, नो नीड, कोई भी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, जब पास हो जाएंगे तो एग्जांपल देंगे, फेल होने के लिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती, फेल होने के लिए एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है, सॉरी जब फेल होगा तो एग्जांपल देने की जरूरत है, जब पास होगा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है, कब, जब केस पास हो गए, तो पास था, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी। अब मैं लास्ट लिख रहा हूँ ट्रांसिटिव, देखो इसमें अगर पूरा ना आया तो रब करना पड़ेगा, या यहाँ लिखवा लो ट्रांसिटिव, यहाँ से शुरू कर देते, उसको रब कर देता हूँ, ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, ये क्या था सिमेट्रिक, ये क्या कर रहा हूँ ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का क्या होना चाहिए, सी के साथ, देख लेते हैं। तो दो तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए भी, लेट एक्स कमा वाई कमा जेड बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल। कहता है पहले डेफिनेशन से लिख के दिखाता हूँ, इफ एक्स कमा वाई किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, एक्स का रिलेशन वाई से है, फ्रॉम 1 से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड y कॉमा जेड भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से, y का रिलेशन जेड से है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 10, देन क्या चेक करना है, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो,
एक्स कोमा जेड भी क्या बिलोंग करेंगे रिलेशन से, एक्स का रिलेशन जेड से होगा, फ्रॉम वन से एक्स प्लस जेड इक्वल टू टेन होगा, फ्रॉम वन से एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा टेन होगा, नॉट ऑलवेज, क्यों कोई एग्जाम्पल है जब फेल हो जाए, बड़े सारे एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए फेल कर देगा, या इसको एक और भी तरीका होता है लिखने का, पहले मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, ए को ले लो टू, बी को ले लो एट बिलोंग टू नेचुरल, बिलोंग टू नेचुरल, सी को ले लो टू बिलोंग टू नेचुरल, कहता है इफ 2.8, तभी तो कहा था कोई भी सेम भी हो सकते हैं, इफ 2.8 बिलोंग टू रिलेशन से, इंप्लाइज 2 का रिलेशन 8 से है, फ्रॉम 1 से 2 प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा 10, एंड 8.2 भी किससे बिलोंग करेंगे रिलेशन से, 8 का रिलेशन 2 से, 8 प्लस 2 भी क्या आ जाएगा 10, देन चेक करो ए भी था बी सी था, ए सी को चेक करो 2.2 बिलोंग टू रिलेशन, 2 का रिलेशन 2 से, 2 प्लस 2 इक्वल टू 10 नहीं होगा, तो देखो क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव का ये मतलब है इसका। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, और ट्रांजिटिव को चेक करने का मैं दो दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ, आपने पूरे साल चलना है और आपने आगे जिन्होंने भी आगे एमएससी बीएससी में मैथ देना है उसमें रिलेशन बीटेक करोगे तब भी है, बीटेक अगर आप बीएससी करते हैं एमएससी करते हो उसमें सारी बातें आएंगी, इसलिए मैं दो दो मेथड अलग अलग चला रहा हूँ, प्लस टू में तो आप इस तरह से कर दो तो चल जाएगा काम क्योंकि पहली बार आपके पास आया है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो देख लो अगर आपको समझ आ रही है मैं जैसे समझा रहा हूँ, बिलोंग टू नेचुरल है, अगर एक्स कोमा वाई किससे बिलोंग करता है बताओ जरा रिलेशन से, एक्स का रिलेशन क्या है वाई से, फ्रॉम वन से क्या आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन, इसको क्या मान लो सेकेंड, एंड वाई कोमा जेड भी क्या आएगा रिलेशन से, y का रिलेशन z से, y plus z भी क्या आएगा from 1 से, y plus z भी क्या आएगा 10 से, अब सोचना जरा यहां से क्या हो गया, x का रिलेशन y से, y का रिलेशन x का रिलेशन y से, y का रिलेशन किससे वाला z से, तो x का किससे देखना है तो y हटाना पड़ेगा, तो y यहां से हटा लो और यहां से y डालो 10 minus z, पुट करा दो इन 2 में, करा दीजिए यहां पुट करा रहा हूं, सोचो y हटा दीजिए तो करा दो x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू 10 माइनस z, अब सबको उधर ले जाओ x माइनस z इक्वल टू क्या हो गया 0, x माइनस z इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इंप्लाइज x प्लस z इज नॉट इक्वल टू 10 तो नहीं आया, हमें तो 10 चाहिए था, क्यों x प्लस y 10 था, y प्लस z 10 था, तो हमें x प्लस z 10 चाहिए था, पर आया कितना x माइनस z 10 आ गया, therefore x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, अगर जिसको ऐसे समझ आता है देखो क्या होगा नॉट ट्रांजिटिव, एग्जांपल देना एग्जांपल से यही वाला फिट होता है, तो ये तो आपकी बातें होती हैं अगर आप समझ जाओ, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जांपलर का है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो मैं करा देता हूँ आपको, 13 है एनसीईआरटी का है एग्जांपलर का क्वेश्चन है बेटा, तो देखो जरा 13 में क्या कहता है, कहता है एक रिलेशन दिया हुआ है इसके ऊपर क्यू माइनस जीरो के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है ऑल रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, पर कौन से नहीं ले सकते, जीरो को छोड़ के, ठीक है अब इसको पढ़ लो, ऑल रैशनल नंबर All rational number except zero that means ये क्या है general set है, ये भी कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे example one ले सकते हो two ले सकते हो zero नहीं ले सकते, minus one minus two three by two minus five by two three by seven root two तो आते ही नहीं, खैर rational में root three नहीं आते, जीरो भी नहीं आता है, वन टू माइनस फाइव एटसेट्रा ये आएगा, ये क्या ये किसके लिए होता है रैशनल के लिए,
लिख दिया वैसे मैंने, एक रिलेशन दिया हमें, ए बी बिलोंग टू रिलेशन दिया हमें, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू फोर। पूछा गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांसिटिव है, इज इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पूछा गया, इज इट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पूछा गया। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या चेक कराऊंगा, किसके लिए चलते हैं सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव कराऊंगा। क्या होता है रिफ्लेक्सिव बेटा, अब तो डेफिनेशन याद होगी होगी बेटा, इसको भूलना मत, इतनी मेहनत भी लगाएं और ये काम को ना निकाल पाए तो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट Q माइनस जीरो, ए कमा ए किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से, ए का रिलेशन ए से इम्प्लाइज या फ्रॉम वन से, ए का रिलेशन बी से क्या लिया है सोचो, ए कमा बी बिलोंग टू रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू फोर, तो ए का रिलेशन ए से क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए इनटू ए इक्वल टू फोर, ए स्क्वायर इक्वल टू फोर, नॉट ऑलवेज, हमेशा सचो का ऐसा नहीं होगा, क्यों, ए को आप वन ले लो या थ्री ले लो, थ्री किससे बिलोंग करेगा, क्यू माइनस जीरो से, दिस इंप्लाइज थ्री कमा थ्री बिलोंग टू क्या हो जाएगा, रिलेशन, थ्री का रिलेशन थ्री से हो जाएगा, फ्रॉम वन से थ्री इंटू थ्री इक्वल टू फोर हो जाएगा, 9 equal to 4 not possible, ऐसा आएगा ही नहीं, तो ये क्या नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, फेल था तो मैंने साथ में क्या जोड़ दिया एग्जांपल, दूसरा क्या जोड़ूंगा साइमेट्रिक, लेट a कमा b बिलोंग टू q माइनस जीरो, अगर a कमा b बिलोंग टू रिलेशन में है, a का रिलेशन b से है, फ्रॉम वन से a b equal to 4 है, तो दिस इंप्लाइज यहीं से सोचो, यहीं से एरो डाले हुए यार, वैसे दिमाग सोचने के लिए डाले हुए, बी ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, फोर, दिस इंप्लाइज बी कमा ए बी क्या हो जाएगा, रिलेशन, बी ए फोर हो गया, देयरफॉर फ्रॉम वन से बी कमा ए बी किससे बिलोंग है, रिलेशन से, यस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने की क्या नहीं होगी जरूरत, एग्जाम्पल लिखा हुआ नहीं, सोचे बच्चे क्या लिख दिया, डड्डू सा बना दिए, ये डड्डू नहीं है बेटा, एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन था, एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है। अब क्या चेक करूंगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या चेक कर दूंगा, ट्रांजिटिव में मैंने दो दो तरीके बताए ना, इसमें एक तरीके से करा रहा हूँ, आप जिस मर्जी तरीके से करो, ए कमा सी बिलोंग टू क्यू माइनस जीरो से, अगर ए बी किससे बिलोंग करेगा, कहता है रिलेशन से, दिस इंप्लाइज ए का रिलेशन क्या है, बी के साथ, फ्रॉम वन में ए बी इक्वल टू क्या आएगा, फोर, एंड बी कमा सी भी किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन से, बी का रिलेशन क्या है, सी से, फ्रॉम वन से आराम से देखो क्या आएगा, बी सी इक्वल टू क्या आएगा, फोर, तो फिर यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो, देयरफॉर बी की वैल्यू निकाल दो, फोर बाय सी, क्यों, ए का रिलेशन बी से, बी का सी से, फिर ए का क्या चाहिए, तो इसको हटा देंगे, इसको पुट करा दो इन टू में, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, फोर बाय सी इक्वल टू फोर, ए बाय सी इक्वल टू क्या आ गया, वन, This implies AC is not equal to 4. AC 4 के इक्वल नहीं आया. Therefore क्या हो जाएगा? From 1 से not transitive. Therefore A कमा C किससे belong नहीं करेगा बेटा? Relation से. Therefore from 1 से क्या आ जाएगा? ये क्या आया? A by C क्या? 4 से 4 कट गया तो A by C क्या आ गया? 1. This implies AC is not equal to 4. From 1 से आराम से सोचो. Therefore A कमा C does not belong to not ट्रांजिटिव। From 1 से 4 into 1 equal to क्या आ जाएगा 4 and 1 comma 4 भी क्या होगा belong to relation 1 का relation किससे आ जाएगा 4 से From 1 से 1 into 4 equal to क्या आ जाएगा 4 then check करने क्या check करोगे 4 comma 4 भी किससे belong होगा क्या relation से 4 का relation 4 से 4 into 4 equals to क्या आ जाएगा 4 नहीं आएगा Therefore क्या हो जाएगा not
क्योंकि ये तो 16 है, 16 4 भी तो लग गई, समझ लीजिए 16 है ना, ये 4 का रिलेशन 4 से क्या आएगा, 16 इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर क्या आएगा, नॉट, तो काफी ये मैंने आपको एक्सरसाइज करा दिया, बीच वाले क्वेश्चन कर लो या एनसीईआरटी का, इसके समझ में आई बात, ठीक है बेटा। तो इसके साथ आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का टॉपिक खत्म, 5 लेक्चर में मैंने सारे बेसिक समझा दिए। अब अगले लेक्चर में मैं बता क्या तुम्हें बताऊंगा आप लोगों को इसी और डेफिनेशन, और मैं कौन सी एक्सरसाइज कराऊंगा एलिमेंट्स की 1.2, ठीक है बेटा। तो उसमें आपका 2-3 जितने भी लेक्चर लगेंगे देखेंगे, क्योंकि आराम आराम से करेंगे, ये टॉपिक ऐसा होता है जो थ्योरेटिकल होता है, मैंने फिर बोला है इसको डेली पढ़ना है और डेली करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।